अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लब आजाद प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्वेटा की दहशतगर्दी से जुड़ा इंतहाई अहम वाकया, जो कि इस साल का डेडलीस्ट वाकया था और तकरीबन 70 से जायद पाकिस्तानी इसमें शहीद हुए हैं, सैकड़ों इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं और अभी भी बहुत ख़तरनाक और सेंसिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद बहुत सारे जो ज़ख्मी हुए हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं हलाकतों में। वुकला को टारगेट किया गया और बहुत भारी तादाद में वुकला जो है वो शहीद हुए, और हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी वुकला ने काफ़ी हद तक एहतजाज भी किया है। दोबारा से ये दहशतगर्दी की जो लहर सामने आई है उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है दहशतगर्दी की जंग में, जो हम पूरे सिस्टम को पुश कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो दहशतगर्दी का सामना कर रही है। आया हमारी पॉलिसी, हमारा निज़ाम जो है वो दुरुस्त डायरेक्शन में जा रहा है, बेहतर तौर पर टैकल कर रहा है, यानी क्योंकि इतने दिनों के बाद इतना बड़ा वाकया बलूचिस्तान के अंदर होना और उसकी अहमियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि अगस्त के महीने में ये वाकया हुआ है, सी पैक उससे जुड़ा हुआ है। जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्होंने डेफिनेटली बहुत प्लानिंग के साथ ये वाकया किया, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिस्टम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं और शायद आगे आने वाले दिनों में भी हमें नज़र आए। इस हवाले से बात करेंगे कि इसकी कितनी भारी कीमत पाकिस्तान के मासूम शहरियों ने अदा की और ये कब तक करते रहेंगे, और सबसे बड़ा सवाल कि 9/11 की जंग के बाद हमने तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान किया है हमारे इस गरीब मुल्क ने, कब तक ये नुकसान होता रहेगा, और आया हमने जो दुरुस्त डायरेक्शन में काम करना था, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना था, अपने इदारों को बेहतर करना था, अपनी ब्यूरोक्रेसी जो जंग आलूद ब्यूरोक्रेसी है उसको तगड़ा करना था और तगड़ी पॉलिसियाँ बना के अवाम की फ्लाव बहबूद और मुल्की मफाद में जो काम करने थे, आया वो हम बेहतर तौर पर कर पा रहे हैं, एक जायज़ा इसका लेंगे। और माशी एक्सपर्ट, पाकिस्तान के बेहतरीन माशी एक्सपर्ट डॉक्टर शाहिद असन सिद्दीकी साहब का तजिया जानेंगे कि ये कितना अहम वाकया है, कितना सेंसिटिव वाकया है, और आया हमें दोबारा से इसको रीविज़िट करना चाहिए या नहीं, और इसको बेहतर तौर पर एनालाइज करने की ज़रूरत है या नहीं कि हमारी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं और हमने बेहतर तौर पर काम क्या करने हैं। डॉक्टर शाहिद असन सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सर, आपने इस पर किताब भी लिखी है दहशतगर्दी के एक अहम इशू पे और इकॉनमी पर भी आपकी गहरी नज़र है। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्वेटा में ये जो अंधोनाक वाकया हुआ है जिसमें वुकला की जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की उसको ख़त्म किया गया है, क्या मैसेज एक्चुअली दहशतगर्द देना चाह रहे हैं इस वाकये के बाद, और खुसूसन अगस्त के महीने में, और कंसीडरिंग के सी पैक जुड़ा हुआ है इसके साथ? आदिल जिलानी साहब, आपने जो अभी बड़े अहम नुकात उठाए हैं और उसमें से हर जुमले पर गौर करने की ज़रूरत है। ये जो हादसा था हुआ है इस पर जितने गम का, अफसोस का, सदमे का इजहार किया जाए कम है, कि फैमिलीज़ के साथ जो ज़ख्मी हैं उनके साथ, लेकिन इसके साथ साथ बलूचिस्तान में ये आपको समझने की ज़रूरत है कौम को कि जो पाकिस्तान की दोस्त क़ुव्वतें थीं उनका हौसला कमज़ोर हुआ है, और जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें, कौम परस्त लीडर जो बाहर हैं, कई दुश्मन ममालिक जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके हाथ बज़ाहिर मजबूत हुए हैं, और अवाम में बलूचिस्तान के और पाकिस्तान में मायूसी और बददिली फैली है, मुस्तकबिल के मुतालिक सवालात ने जन्म लिया है और पाकिस्तान की सलामती के लिए हकीकी खतरात पैदा हुए हैं, और जो आपने सी पैक का जिक्र किया वो उसके लिए कुछ किसी न किसी हद तक ये एक झटका है। लेकिन आपने एक और बीच में नुक्ता उठाया था कि हम क्या कर पाए हैं, क्या हमारी डायरेक्शन सही है, तो क्या हमने 14 साल में, जैसे अभी आपने बताया कि 116 अरब डॉलर से का नुकसान हो गया, 10,000 अरब रुपया इस कौम ने नुकसान उठाया और नुकसान उठाते चले जा रहे हैं, क्या वाकई हम दहशतगर्दी को ख़त्म कर पाए हैं? क्या सवाब को क्लियर करना दहशतगर्दी की जंग है जितना है? नहीं, उस वक्त भी मैंने कहा था और उस किताब में भी मैंने लिखा था, भाई आप सवाब को खाली करा लें या जनूबी वजिस्तान को, नहीं, मकसद था दहशतगर्दी की जंग जीतना, उसके हम करीब भी नहीं पहुँचे। उसकी वजह ये है, नहीं है कि हमारी अफवाज बहादुर नहीं है, या वो अफवाज क़ुरबानी नहीं दे रही, या पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप नहीं चाहती कि हम कि ये ख़त्म हो। मकसद ये था कि उसके लिए जो हिकमत अमली दरकार है
जीत जंग जीतने के लिए। देखिए पहले मैं बता दूं, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज में इतनी सलाहियत है कि अगर दुरुस्त पॉलिसी बनाई जाए तो चंद महीने में इसका बड़ी हद तक कला कमा हो सकता सर, है। बात सलाहियत है, कैपेसिटी है, ये काम कर सकते हैं। तो अभी तक आपको डायरेक्शन दुरुस्त क्यों नहीं नजर आ रही? रुकावट जो है, आप समझते हैं कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, जो हमारी मजहबी जमातें हैं, उनकी उनके सियासी मफादात आड़े आ रहे हैं, वो बड़ी रुकावट है? वो और दूसरे ताकतवर तबकों के भी और रियासत के दूसरे सुतूनों के भी। अगर आप एक जुमले में कहूँ, ये सारा खेल डॉलर और इख्तदार का है। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तानी कौम कोई मामूली कौम नहीं है। अपने आप को आप बुरा कह लें, जो भी कह लें, गरीब कह लें, लेकिन इनमें समझें, क्या पाकिस्तान का एक आम आदमी ये नहीं समझ रहा कि अगर बहादुर अफवाज कुर्बानियाँ देती हैं, जंग लड़ती हैं, लेकिन अफगानिस्तान से असला और पैसा बाहर आ जाता है, यहाँ आ जाता है पाकिस्तान, उनको कुव्वत मुहैया हो जाती है, क्या आम आदमी नहीं समझता कि लाखों जो अफगान महाजरीन हैं उनके भेस में कुछ दहशतगर्दी हैं और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं, तो आप कैसे जीतेंगे जंग? इसका मतलब था सर, आम बंदे ने तो बड़ी कुर्बानियां दी हैं, फौज ने भी दी है, हमने भी दी है, फौज ने भी दी है, हमारी एजेंसियों ने भी दी है, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी, 60,000 से ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, तो हम कुर्बानियां तो दे रहे हैं, अभी 70 से ज्यादा और कुर्बानी दे दी, तो मसला ये है कि ये कुर्बानियां हम कब तक देते रहेंगे? आपको आपको मसला सबसे बड़ा, आप कह रहे हैं कि डॉलर और इख्तदार की जंग, बिल्कुल, तो डॉलर और इख्तदार की जंग किसकी है? हमारी मजहबी जमातों की है, सियासी जमातों की है, किसकी है? पाकिस्तान के तमाम ताकतवर तबकों की और पाकिस्तान के रियासत के सुतूनों की। तो देखिए मैं बिल्कुल वाज़ह करूँ, 70,000 से ज़्यादा जो लोग शहीद हुए, 70,000 से ज़्यादा हुए, और ज़ख्मी अलग, जो मज़दूर हो गए वो अलग, उनकी नस्लों का क्या होगा वो अलग, सरमायाकारी नहीं आ रही, मुस्तकबिल से मायूसी है, पैसा बाहर जा रहा है, जिन लोगों के पास वसाइल हैं वो बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हर हादसे के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर ज़ख्म लगता है तो दुनिया में आवाम को ये मैसेज जाता है कि पाकिस्तान में इतने दहशतगर्द हैं कि हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। क्या आप मुझे बताइए, आप बहुत वेल एनलाइटेंड जर्नलिस्ट हैं, क्या हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी हुकूमतें सुबह शाम रोज़ ये कहती हैं कि जनाब ये गैर मुल्की दहशतगर्द हैं, ये अफगान महाजरीन अगर नहीं जाते तो हम दहशतगर्दी की जंग नहीं जीतते, क्या ये हम आलमी फोरम पर कह रहे हैं? आप यकीन माने, आम आदमी मगरिब का ये समझता है कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खत तो लिखते हैं, यूएन के अंदर उन्होंने एक बार फिर खत लिखा है, तर्जुमान बलोचिस्तान, वज़ीर आला बलोचिस्तान कह रहे हैं कि जी इसमें रॉ इन्वॉल्व है। तो आप समझते हैं कि क्या हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चल पड़ी है कि इस तरह की दहशतगर्दी हो, हम रॉ का नाम ले दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी और जो जिम्मेदारी है वो भी शिफ्ट हो जाएगी? आप समझते हैं कि अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म कर देना चाहिए और बेहतर तौर पर हम देखें कि भाई इसमें हमारे अपने बंदे इन्वॉल्व हैं, कोई और इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेशन तो करें? रहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, लेकिन अभी हमारे पास ये सबूत नहीं है कि इस वाक़े में, तो जरा सा एहतियात की जरूरत है। जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है वो तो रॉ को जो है वो इल्जाम ठहरा रही है, वजीर आजम साहब से खत लिख देते हैं, तो आप जो पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को हम बताएं अपनी डिप्लोमेसी तगड़ी करें, तो उसमें हम कामयाब हुए या नहीं? हमने कोशिश, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इकॉनमी के साथ, हमने कोशिश नहीं की। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई भी आदमी हमारा जाता है उसकी तकरीर में ये लाजमी होना चाहिए। आपके ख्याल से पाकिस्तान ने मुतालबा किया है सही मानू में कि अफगान महाजरीन को वापस लें? मुतालबा क्यों नहीं किया, ये कंडीशन क्यों नहीं? देखिए अमेरिका का बहुत कुछ स्टेक पर है और हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तान का स्टेक बढ़ रहा है, अमेरिका का कम हो रहा है। अगर आपने पहले दिन मुतालबा नहीं किया, ऑपरेशन ज़र्बे अस्त पर नहीं किया, आगे अगर आप मुतालबा करेंगे भी तो अमरीका कहते हो तो आप लड़ो हो जाए हमारे नहीं। तो सर इसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे तमाम अहम इशूज़ हैं कि हमने नेक्टा जैसा इदारा बनाना था, हमने काउंटर इंसर्जेंसी पे बेहतर तगड़ा प्लान बनाना था, पुलिस को रिफॉर्म करना था, अपनी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको ठीक करना था, अवाम को एजुकेट करना था, अवेयरनेस देनी थी, ताकि आम बंदा भी उतना ही बाशऊर हो दहशतगर्दी की इस जंग में, क्योंकि हर बंदा इन्वॉल्व है, हर लम्हे हम इसके अंदर जो है वो दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा है। तो जो सियासी हुकूमतों ने जो काम करना था वो तो नहीं किया सर उन्होंने, तो हम कंप्लीट ब्लेम जो है वो किसी एक इदारे को या राष्ट्रीय इदारे को कैसे दे सकते? मैंने तो कहा कि पाकिस्तान के तमाम ताकतवर तबके, उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, अभी आप एनालाइज करें, ये जो हादसा हुआ
क्वेटा का ये कोई मामूली हादसा नहीं है। इसके बाद क्या कहा गया कि अज़्म का इजहार किया गया कि हम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी, यानी ताकत का इस्तेमाल। कहीं किसी ने ये कहा कि ये जो मईशत हमारी दस्तावेजी नहीं है, ब्लैक मनी है, ये टेररिस्ट के हाथ में जा रहा है तो हम इसको रोकेंगे, किसी ने कहा? मेरा कहना यह कि हम सिर्फ ताकत के इस्तेमाल और कुर्बानी दे रहे हैं अपने आदमियों की। हम ये नहीं कह रहे कि हम मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे। मसले की जड़ को नहीं पकड़े, इसलिए नहीं पकड़ रहे कि मैंने फिर कहा कि ताकतवर तबकों के जहां मुफादात मुतासिर होते हैं वहां हम पीछे हट जाते हैं। सब हमारे चारों सुतून रियासत के जो जिनका स्टेक है इस दहशतगर्दी की जंग में, डायरेक्ट स्टेक तो पूरी कौम का है लेकिन जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, नेशनल एक्शन प्लान जो मंजूर कर रहे हैं, उन्होंने कभी कहीं कहा कि भाई 5,000 रुपए के नोट की पाकिस्तान में क्या जरूरत है? किसी ने कहा कि 40,000 अरब रुपए का, सॉरी 40,000 का प्राइस बॉन्ड की इस मुल्क में क्या जरूरत है? एक पैकेट 5 करोड़ का होता है, दे देते हैं, लॉकर में रख देते हैं। आपने मईशत को दस्तावेजी बनाना, ब्लैक मनी को ख़त्म करना और आपने आमदनी पर टैक्स लगाना, इंतहा पसंदी को ख़त्म करने के लिए, दिलो दिमाग जीतने के लिए ज़्यादा रकम मुख्तस करना, ये तो आपकी लुगत में है ही नहीं। इससे भी एक जुमला मैंने सुना था कि दिलो दिमाग जीतेंगे, लेकिन हर हादसे के बाद सिर्फ ताकत की बात होती है, दिलो दिमाग की तो जी वो स्टेटमेंट्स रिपीट होती हैं। तो अब मुझे बताएं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये प्राइस बॉन्ड के हवाले से काम होना था, ब्लैक इकॉनमी को कंट्रोल करना था, इसके अलावा दूसरे तमाम मसाइल, अभी प्रॉपर्टी का इशू चला था, तो बहुत सारे सीरियस इशूज़ मौजूद हैं। तो वजह क्या है सर? आया हम मसले को समझते नहीं हैं, कैपेसिटी नहीं है, या वाकई हमारे मफादात जो है वो डॉलर्स के साथ और इक्तदार के साथ जुड़े हैं तो हम कुछ सोचने ही नहीं चाहते? डॉलर और इक्तदार के बाद तमाम चीज़ें आती हैं, पहले डॉलर और इक्तदार। अगर आज ये फैसला कर लिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि हमने अपने डॉक्यूमेंट करना है ताकि सहूलतकारों को फंड्स ना मिल सके, नंबर एक। दूसरा हमें ये करना है कि हमें बलूचिस्तान में जो एहसास से महरूमी है, पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो एहसास से महरूमी है, वहाँ उनको फंड्स डाइवर्ट करने हैं। बिल्कुल ठीक। तो वो फंड्स डाइवर्ट करने के लिए फिर आपको लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, लेकिन आपने तो टैक्सेशन के निज़ाम को जो 60 साल का था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और आप ये फैसला तक नहीं कर सकते कि एक आदमी 30 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है तो तुम नहीं खरीद सकते, इनकम टैक्स रिटर्न तो पहले भरो। ये अगर फैसला ये कौम ने, हमारा FBR, हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल एक्शन प्लान अगर नहीं कर सकता कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं हैं तो आप गाड़ियां क्यों खरीद रहे हैं, आप हवाई जहाज में क्यों सफर कर रहे हैं? अहम नुकता, अहम नुकता। तो आप तो पॉइंट ये है कि नेशनल एक्शन प्लान जब हम देखते हैं उसके 20 नुकात, तो उसमें तो मईशत को डॉक्यूमेंट करना है ही नहीं है। नहीं है उसमें डॉक्यूमेंट है ही नहीं, उसमें टैक्स का मौसर निजाम लाना है ही नहीं है। तो पॉइंट ये है कि फिर हमारा नुकता आगाज ही गलत है। बिलाशुबा गलत है, इसमें कोई शुबे की बात। हमने तो, मैं आपसे बताऊँ, सवात ऑपरेशन से पहले मैंने ये कहा था और लिखा था कि भाई ये पाकिस्तानी फौज इस काबिल है उस वक्त कि चंद हफ्तों में इस जंग को जीत सकती है, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल हर जगह नहीं किया जाता। पहले ताकत, सिर्फ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले आप दूसरी चीज़ें करेंगे फिर ताकत आखिर में आती है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं कि वो एक्शन ना हमने 2004 में लिए, ना 2009 में लिए जब आपने सवात ऑपरेशन किया, ना आज किया, और ना ऑपरेशन जरूरत में, और ना आज ले रहे हैं, ना आज आप क्वेटा के बाद ले रहे हैं, अब भी नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं लेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये अगर एक नुक्ता हम समझ लें कि अगर आपने सहूलतकारों को जो पैसा मिल रहा है वो मिलता रहा, आपने इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए जो पैसा पाकिस्तान को खर्च करना है बलूचिस्तान में, KP में, दूसरी जगह पर, वो नहीं आपको टैक्सों से वसूल हुआ, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते रहे, स्मगलिंग होती रही, अंडर इन्वॉइसिंग होती रही, तो आप जंग नहीं जीत सकते। मैं किसी की सलाहियत को नहीं कम कर रहा, पाकिस्तान की फ़ौज को मुतालिक मैंने बार बार कहा है कि उनको दहशतगर्दी की जंग ताकत से जीतने की सलाहियत है, बशर्ते के उसके साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसमें भी। तो सर ये अभी इस वाले से बहुत सारी हमें खबरें मिली हैं कि जो सहूलतकार हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो गुरबत का मसला है, 20,000-25,000 के लिए वो जाते हैं और अपने आप को फाड़ लेते हैं और उसके साथ जुड़े सारे पाकिस्तानी, मासूम पाकिस्तानी शहीद हो जाते हैं। तो गुरबत सर मुझे बताएं, गुरबत और पसमानदगी बलोचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कितना अहम इशू है, और इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत है, सिविल हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के अगर गुरबत और पसमानदगी पर ही काम कर ले तो बहुत बड़ा इशू हल हो सकता है। नहीं मगर क्यों करेंगे वो? देखिए आपने कल परसों रिपोर्ट आई UNDP की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में इनइक्वलिटी बढ़ी है,
बिल्कुल वाज़ह कहा है, कोई शुबे की बात ही नहीं है। पाकिस्तान में गरीब और अमीर की कैपेसिटी है, और दूसरी तरफ जो गवर्नेंस ठीक नहीं है और फिर मुनाफकत है या हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, हमारे हम डॉलर्स या इक्तदार के लिए जो है वो काम करना चाहते हैं, सारे इदारे उसमें शामिल हैं, तो फिर ये तो कैपेसिटी भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। अगर एक कैपेसिटी है आपके पास एक निज़ाम में डिलीवरी की, हमारे रियासती इदारों की, हमारी सिविल हुकूमतों की, लेकिन उस कैपेसिटी को हम डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन गवर्नेंस इतना बड़ा हमारे हमारे सामने अजदा खड़ा है कि वो तो सर फिर इस कैपेसिटी को भी गिरा रहा हो। नहीं तो अभी तो रिपोर्ट में आ गया कि पाकिस्तान के इदारे कमजोर हो गए, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि जो टक्कर, तो आप इसे एग्री करते हैं इदारे कमजोर हो रहे हैं? खत्म हो गए इदारे, उनके इफेक्टिवनेस है ही नहीं। कहाँ के इदारे? नहीं, हम कौन से इदारे की बात करें, मुझे आप बता दें। अब अगर आपने बलूचिस्तान में क्वेटा शहर में 30 वकील मार दिए, वहाँ वकील थे कितने? देखिए बात हमें समझने की ज़रूरत है, हमारे इदारे ख़त्म हो चुके हैं। जिस वक्त FBR जब ये कहता है कि जनाब हमने तो मईशत को दस्तावेजी बनाना है, टैक्स GDP बढ़ाना है, मैं कहता कि क्या 1991 से आज तक हर हुकूमत ने ये नहीं कहा कि हमने टैक्स GDP रेशो बढ़ा दिया है? कहा ना, सबने कहा, इन्होंने भी कहा। आपको पता है हम 93 से नीचे आ, इकोनॉमिक सर्वे में भी लिखते हैं ना हर साल इकोनॉमिक सर्वे। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, 1995-96 में जो टैक्स GDP रेशो था आज उससे कम है। एक और बात बता दूँ, 2018 में भी उससे कम होगा, मगर हर हुकूमत ये कहती है कि हमने इक्तसादी मुआवजा दिखाया है और कौम उसको एक्सेप्ट करती है, मीडिया उसको एक्सेप्ट करता है बहसियत मजमूई। बिल्कुल ठीक, तो ये मुनाफत का कौन सा दर्जा है? मुझे आप ये बताइए, एक मिनट में सोचता हूँ कि 20 करोड़ तकरीबन मुसलमान हैं, 11 लाख आदमी रिटर्न दे रहे हैं, 11 लाख आदमी, कम से कम अल्लाह मुझे माफ़ करे 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको कि रिटर्न देनी चाहिए। तो जो 90 लैक्स हैं, अगर उसके घर में 5 फर्द हैं तो 4.5 करोड़, तो ये है ना। ये और बात है कि जो मिडिल क्लास करोड़ों है, उन्होंने जो पर आदमी ने 25,000 टैक्स चोरी किया, 50,000 उसने सेल्स टैक्स दे दिया एक्स्ट्रा। तो मैं ये हैरान होता हूँ कि हमारी जो मिडिल क्लास करप्ट हो गई, टैक्स चोरी कर रही है, इससे ज्यादा वो कीमत अदा कर रही है इलाज की शक्ल में, GST की शक्ल में, पेट्रोल की शक्ल में। तो सर इसकी जो जिम्मेदार है मुशर्रफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं, और अभी मौजूदा हुकूमत भी है, क्योंकि 9/11 के बाद ही ये दहशतगर्दी का जो जिन है वो हमारे सामने आया, उसको हम टैकल नहीं कर पा रहे। तो जो कैपेसिटी और जो इदारे बनाने चाहिए थे, वो इन्हीं 3 बड़ी हुकूमतों को बनाने चाहिए थे जिसमें सारा आपका सियासी निज़ाम शामिल। शायद तबाही अयूब खान ने शुरू कर दी, ठीक, उसके बाद से तबाही हुई। अयूब खान ने जो कुछ किया 58 से 71 तक अयूब खान और याया खान जनरल से इख्तदार में रहे, ठीक, जब मुल्क आदर रह गया फिर उन्होंने दिया अदारे, तो तबाह कर दिया, आपने मुल्क भी तोड़ दिया था, ठीक है ना, उसके बाद अदारे संभले ही नहीं। तो सर ये सिविल हुकूमतें जो बात करती हैं सियासतदान, उसमें कितनी जान है कि आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलने ही नहीं दिया? 2-2.5 साल आप हमने दिए, ओवरऑल 30 साल जो है वो सिविल हुकूमतें रही हैं, 30 साल से ज़्यादा जो है वो आपका डिक्टेटरशिप सिस्टम रहा है, तो इसमें कितनी जान है अगर आप इकोनॉमिकली और लॉजिकली आप इसको एनालाइज करते हैं कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम चलने देते तो आज इदारे तगड़े होते, कैपेसिटी बकौल आपके है तो हम बेहतर तौर पर डिलीवर कर सकते। ये बात 8 साल पहले सही थी, आज सही नहीं है, क्योंकि 8 साल से तो सिस्टम चल रहा है जमहूरियत का, ठीक, ये मैं मानता हूँ कि मैंने अभी लिखा भी था कि जो 50 साल 60 साल का मैंने हिस्ट्री देखी, तो जो पाकिस्तान की मईशत के वर्स्ट ईयर थे, ख़राब तरीन, जिसमें मईशत सुलो थी, उसमें अयूब खान, याया खान, मुशर्रफ, बिल्कुल, और जरदारी NRO, ये 4 साल थे, ये रिकॉर्ड पर है कि ये 4 में अयूब खान जिसको कहते हैं बड़ी, तो ये दौर था सुस्त तरीन शरह नमो का। तो ठीक है 1990 की दिहाई में खासतौर से हुकूमतें आई गईं, मगर अब तो 8 साल हो गए, तो 8 साल में मुझे ये बताइए आप कि कौन सी बेहतरी आई, कौन से फैसले हुकूमत कर रही है? 8 साल में हम मईशत को डॉक्यूमेंट कर सकते थे, गुरबत पर काबू पा सकते थे, ये तमाम चीज़ें कर सकते, आप डायरेक्शन तो सही कर सकते थे, आपकी डायरेक्शन आज उतनी ख़राब है जितनी 8 साल पहले थी, कोई एक इम्प्रूवमेंट नहीं आया, ना आने का इम्कान है। इन्होंने 2013 तक के टारगेट्स कम कर दिए हैं, खासतौर से टैक्सेस के, ठीक, और हम लिख रहे हैं कि हुकूमत बोल्ड एक्शंस ले रही है टैक्सेशन में, तो बोल्ड एक्शन के बाद तो हदफ बढ़ाया जाता है, इन्होंने तो कम कर दिया, ठीक। तो मेरा कहना यह था कि एक चीज़ बिल्कुल वाज़ह है कि हम जो है वो आवाम को निचोड़ रहे हैं, कर्ज़ों पर भरोसा कर रहे हैं, असासे बेच रहे हैं, जाली रेमिटेंसेज आ रही हैं, और ये भूल रहे हैं कि जब दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका को ज़रूरत नहीं रहेगी, और 2019 में पाकिस्तान दोबारा IMF के पास जा रहा होगा, तो अमेरिका का रवैया मुख्तलिफ होगा, तो
तो फिर जरा सी हिस्ट्री दोबारा पढ़ लें जो अभी ग्रीस के साथ हुई, अल्लाह ताला माफ करे। ठीक है, तो सर ये जो पिक्चर आप बता रहे हैं ये तो बड़ी खतरनाक है कि हम जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं, निज़ाम वैसे ही तगड़ा नहीं है, कैपेसिटी है लेकिन गवर्नेंस के इश्यूज ज्यादा हैं। तो अब आगे आप कैसे देख रहे हैं कि IMF को हम खुदा हाफिज भी कहना चाहते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब ने कह दिया अपने इजलास में, जो अपने उन्होंने पार्लियामेंट्री इजलास किया, उन्होंने कहा कि जी IMF को हम खुदा हाफिज कह देंगे। इसहाक डार की स्टेटमेंट आ चुकी है। तो सितंबर में हमने IMF प्रोग्राम को खत्म करना है, तो आप समझते हैं कि ये पॉलिटिकल बेसिस पे है कि इलेक्शन आने वाला है ताकि उसको कैपिटलाइज किया जाए, या वाकई इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर है कि ये हुकूमत जो फैसला लेने जा रही है, और अगर ये फैसला ये मटेरियलाइज होता है जैसे कि मियां साहब कह रहे हैं तो इसकी भारी कीमत सिस्टम और कितना अदा कर सकते? देखिए बहस करते हैं, मैं आपको एक चीज जिम्मेदारी से बता दूं, 1993 एक हुकूमत गई, 96 में गई, ठीक है, फिर 2008 में गई, 2013 में, इन तमाम के मैंने रिकॉर्ड मेरे पास हैं। हर हुकूमत के जाने के बाद ये दो जुमले कहे गए कि मईशत तबाह है, मुल्क बैंकक्रप्ट है, ठीक, हर इन तमाम दौर में कही है, और इख्तदार में आने के बाद कहा कि जी हमने मईशत को सही सूत्र पर डाल दिया है, थोड़ा और कुर्बानी दें, एक सुनहरा मुस्तकबिल। ये 97 में कहा गया, 99 में कहा गया मुशरफ ने, 2008 में जरदारी ने कहा, 2013 में इन्होंने कहा, और मैं फिर कह रहा हूँ 2018-19 में यही होगा, फिर दोबारा यही जाएगा। एक तो ये ड्रामा है सारा, कोई बेहतरी स्ट्रक्चरल चेंजेस आई ही नहीं है, लीपा पोती है सारी, ठीक है, एक तो ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आज भी कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं है, हम इस वक्त ये है, ये जो कह रहे हैं कि हमने IMF को खुदा हाफिज़ कहा, ये एक जगलेरी है। बात ये थी कि उन्होंने आपको आखिरी किस्त दे दी, उनका 3 साल पूरे हो गए, अब 2 साल तक उन्होंने आपसे कर्जा वापस नहीं मांगना, ग्रेस पीरियड है, 2 साल के बाद आपको कर्जा देने का जब वक्त आएगा तो फिर आप 1 साल के अंदर आप फिर चले जाएंगे। खुदा हाफिज़ जो है, मुझे फ्रॉड आया था, शौकत अजीज़ भाग गया उसके बाद, आपके पिछले दोनों सदर इस वक्त मुल्क में नहीं है, है ना, ये तो फिर डुगडुगी बजा के चले जाते हैं। हकीकत का सामना करें, हकीकत का सामना करें कि इस मुल्क के पास बेतहाशा वसा। सर आज दहशतगर्दी का ये जो मसला है, क्योंकि उससे इकॉनमी जुड़ी हुई है, उसके आम बंदे की लाइफ जुड़ी हुई है, वो पूरा निज़ाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, नुक्ता आगाज़ हम क्या करें? देखिए नुक्ता आगाज़ बिल्कुल वही है जो आपने एजेंडे में रखा था, तो वो ये रखा था कि दहशतगर्दी की जंग सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से नहीं लड़ी जाएगी, और उसमें दिलो दिमाग जीतने के इकदाम शामिल होंगे, तालीम को अहमियत दी जाएगी, मईशत को दस्तावेजी बनाया जाएगा, एहसास से महरूमी दूर किया जाएगा, बैरूनी कर्जों पर इन्हसार कम किया जाएगा ताकि हम आज़ाद फैसला कर सकें। मुझे याद है रिकॉर्ड पर कि जब पाकिस्तान के सिपाहियों को फ़ौज के शहीद किया गया था सलाला में, और उस पर फ़ौज ने रिएक्शन दिया था, तो पार्लियामेंट में कहा गया कि हमें अमेरिका से पैसे लेने की जल्दी है ताकि हमारा बजट बन सके, इसलिए हमने वो जो उनको राहदारी रोकी थी खोल दी। तो जब आप यहाँ तक गिर जाएं, कौम यहाँ तक, वो कौम कौन कौम गिर जाए जिसके पास बेतहाशा वसाइल है, जिसके लोगों के पास पाकिस्तान से बाहर बेतहाशा दौलत है, वो जितने आपके कर्जे हैं उससे 3 गुना पैसे पाकिस्तानियों के बाहर पड़े हैं, 5,000 अरब रुपये जो टैक्स की चोरी कर रहा है जिस मुल्क में, जिसमें शाहाना अखराजात हो रहे हैं, वहाँ पर ये जो सूरत हाल है, तो ये मैं जो बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास वसाइल मौजूद हैं, इंसानी वसाइल भी मौजूद हैं। मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ तो बड़ा क्लियर अंदाज़ा हो जाए। हमारे पास जो पानी के वसाइल हैं उससे 75,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है ज़िंदगी भर सस्ती। तो जो 75,000 मेगावाट बिजली है ये आपकी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा है डैम से। हमारे पास जो कोयला है उससे 1,00,000 मेगावाट बिजली कम से कम 300 साल तक पैदा हो सकती है, ठीक, वो भी सरप्लस हो जाएगी। हमारे पास जो पानी है उससे अगर हम डैम बना के ज़खीरा करें और एग्रीकल्चर को करें तो एग्रीकल्चर इनकम 5 गुना बढ़ सकती है, पाकिस्तान की किसान की आमदनी 5 गुना बढ़ सकती है, पाकिस्तान की GDP एग्रीकल्चर की 5 गुना बढ़ सकती है। जो आपके गवादर पोर्ट है और जो आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसको अगर आप डेवलप करते हैं तो उसकी इनकम से पूरा पाकिस्तान कोई शक नहीं, कोई शक। तो ये जिस मुल्क के पास वसाइल हैं और इंसानी वसाइल, तो आपका किसान जफाकश है, आपके मजदूर मेहनती हैं, लेकिन करप्शन, शाना अखराजात और मायूसी और बदबिली और एहसास महरूमी उसके साथ सलाहियत। आई एग्री। तो सर अब आगे कैसे देख रहे हैं? ये CPAC हमारे लिए डू और डाई भी है, गेम चेंजर है पूरे खत्ते के लिए, हमें चाहिए भी। 35 अरब डॉलर पावर सेक्टर में आ रहा है, ओवरऑल 46 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है।
तो अब आप कैसे देख रहे हैं इस पर, अगर दहशतगर्दी को हम टैकल नहीं कर पाते, निजाम को दोष नहीं करते, कितने मनफी असरात सीपैक पर पड़ सकते? ये पहले मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ कि सीपैक मंसूबे से पाकिस्तान की किस्मत नहीं बदलेगी। ठीक है, इस मंसूबे के बाद जो इंडस्ट्रियल जोन आप बनाएंगे, अगर आप खुद अपने बनाएं पाकिस्तान के लोग, और वहाँ पर टैक्स फ्री जोन हों जहाँ पर एक्सपोर्ट हो वहाँ से बाहर, और पाकिस्तान में आप इन सनतों का जाल बिछाएं, पाकिस्तान में आप कनेक्टिविटी करें गवादर पोर्ट को, पाकिस्तान में बलोचिस्तान को डेवलप करें, तालीम को करें, स्किल को करें, तब यह किस्मत बदलेगी। उसके लिए जो फंड्स दरकार हैं वो आपके जो निज़ाम है टैक्स का उस पर नहीं आ रहे। कौमी बचतों का मैं आपको बता दूं कि आप 14% 15% पर हैं, भारत 32% पर है। मैं आपको शॉकिंग बात बता दूं कि 2013 में जब ये हुकूमत आई उसके बाद से कई गुने पाकिस्तान का बैंकों का प्रॉफिट बढ़ गया, 329 अरब रुपया हो गया। तो जो इजाफा हुआ दो साल में, इतना इजाफा पाकिस्तानी बैंकों ने 55 साल में नहीं कमाया था। बिल्कुल ठीक, इसलिए कि उन्होंने गवर्नमेंट को कर्जे देने शुरू कर दिए और खातेदारों को मुनाफा देना बंद कर दिया, 4% पर ले आए, 4.25% पर ले आए, तो बैंकिंग निज़ाम को अपने तबाह कर दिया। तो जो कर्जे देने थे सनत तजारत के लिए वो नहीं दे रहे, वो नहीं गए। तो अब इससे आपने बचत पैसा गवर्नमेंट नहीं यूज़ किया, वो गवर्नमेंट ने बजट खसारे के लिए यूज़ किया ताकि टैक्स की चोरी होती रहे। ठीक है शाहिद साहब, डिटेल में बात हुई सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, उनका तजिया जान रहे थे, क्योंकि इशू बड़ा अहम है, बड़ा क्रिटिकल है, जो दहशतगर्दी की जंग में जो हर बंदा इन्वॉल्व है, प्रैक्टिकली पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के रियासती इदारे, हुकूमत, सिविल हुकूमतें, ये तमाम। लेकिन हमने देखा कि मासूम पाकिस्तानी अपनी जानें जो हैं वो कुर्बान कर रहे हैं। इस हफ्ते भी हमने देखा है क्वेटा में ये अंदोनाक वाकया हुआ। सो इशू क्या है? इशू ये है, जैसा कि शाहिद साहब ने बताया, कि कैपेसिटी है, गवर्नेंस का बड़ा मसला है, जो पसमानदगी है, जो गुर्बत है, जो तालीम है, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा, मईशत को दस्तावेजी बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाए बगैर मईशत को हम आगे नहीं चल सकते। सो नेशनल एक्शन प्लान को शायद रीविजिट करने की भी ज़रूरत होगी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि दहशतगर्दी का इशू बहुत बड़ा है, अरबों डॉलर का एक तरफ नुकसान हो रहा है, मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, और मायूसी और नाउमीदी भी बढ़ रही है। आई होप कि आने वाले दिनों में इस हवाले से बेहतर तौर पर फोकस किया जा सके, उसको रीविजिट किया जा सके, और नेक्टा जैसे जो इदारे हमने बनाने थे उसको बेहतर तौर पर तगड़ा हम बना सकें। तो रिसोर्सेज हैं, कैपेसिटी भी है, वसाइल भी हैं। लाची के अंदर हम देखते हैं कि जश्न आज़ादी को बड़ी बेहतर, बहुत बेहतर तौर पर बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, और जो सिस्टम के साथ जो जुड़े मसाइल हैं उसको भी हाईलाइट करता है। लेकिन जो पाकिस्तानियत है, जो जज्बा है, वो उसके अंदर सरशार है, वो कनेक्टेड है। तो वे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ा अच्छा समा है, बहुत सारे खूबसूरत यहाँ पर झंडे हैं, और बहुत बेहतरीन यहाँ पर समा में नज़र आ रहा है, और यहाँ पर तहद्दे निगाह आपको पाकिस्तान के झंडे नज़र आएंगे। ये सिर्फ अगस्त के महीने में ही आपको ये समान नज़र आता है, और अनफॉर्चुनेटली बाकी दिनों में नहीं, लेकिन अगस्त में वाकई एक जो स्पिरिट है, एक जज्बा है, बहुत हद तक बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, खरीदारी कर ली आपने जश्न आज़ादी की? अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, 14 अगस्त से हमें करनी चाहिए, और बहुत जोश व जज्बे से। क्या झंडे लिए हैं, क्या आपने लिए हैं, बैजेस लिए हैं? झंडे लिए हैं, बैजेस लिए हैं, बच्चों के सूट लिए हैं, दुपट्टे लिए हैं बच्चियों के लिए, और ज़बरदस्त है। खरीदारी उरूज पे? बिल्कुल उरूज पे, करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। जश्न आज़ादी जो है हमारा ये ऐसा दिन है, इसके लिए जितना जोश और जज्बा दिखा सकते हो आप दिखाओ, यकजहती का मुजाहरा किया जाए। बिल्कुल सही है। तो आज पाकिस्तान को जितनी यकजहती और मुतहद होने की जरूरत है, शायद पहले कभी नहीं थी। नहीं, पहले कभी नहीं थी, अब बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए हमें ना, हम एक नेशन के तौर पर हमें सामने आना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सर, ये अभी जो रिसेंटली हमें जो वाकया नज़र आया है क्वेटा के अंदर, आप समझते हैं उसके बाद से कुछ मायूसी हमें यहाँ पर कराची में नज़र आई है, या जनरली जून जून दिन गुजरेंगे वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा? नॉर्मली जो है ना, हमें बिल्कुल जो है ना ऐसा नज़र आ रहा है कि क्वेटा के बाद कराची में भी ऐसे वाकत हो सकते हैं, और इसमें 101% इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें, इसमें रॉ इन्वॉल्व है, और पाकिस्तानी एजेंसी को चाहिए कि इसके ऊपर जो है ना पूरी तवज्जो दे, इनके तमाम रास्तों को ब्लॉक किया जाए। आप पर्सनली मायूस हुए हैं या अभी भी आपके अंदर उम्मीद है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, आगे चल के पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन जाएगा, तो पर्सनली आप कैसे देखते हैं इसको? पर्सनली जो है मैं ये देखता हूँ, पाकिस्तान बिल्कुल मुस्तहकम होगा, हमारे जो इदारे हैं, एजेंसियाँ, इदारे जो हैं, ये बहुत मुस्तहकम इदारा है, ये वाहिद इदारा है जो मुस्तहकम है, और ये चाहेगा और ये कोशिश करेगा इंशाल्लाह ताला, तो ये सब
खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जज्बा सरशार है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। जश्न आज़ादी मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ लोगों का स्पिरिट हाई है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। शर्ट खरीद रहे हैं? जी जी, शर्ट खरीद रहे हैं। तो सर, ये शॉपिंग हो गई है या अभी बाकी है? अभी बाकी है। ठीक है जी, आज से स्टार्ट किया है, अभी बाकी है। आज से स्टार्ट किया है, तो मुझे बताएं कि स्पिरिट कितना हाई है जश्न आज़ादी में कराची के अंदर। खास तौर पर हम देखते हैं कि जो कराची के शहरी हैं वो बड़े जिंदा दिल हैं, बड़े तगड़े हैं, और तमाम मसाइल के बावजूद जो है वो बेहतर तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो जनरली आप कैसे देख रहे हैं, इस बार मोमेंटम बड़ा है, लोग बेहतर तौर पर शॉपिंग कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से कराची की हालात काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए लोग बाहर निकल रहे हैं। इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जिससे पहले लोग डरते थे कि भाई हालात की वजह से हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, तो इंशाल्लाह अभी तो हालात काफ़ी बेहतर है, इसलिए लोग बाहर निकलेंगे ज़रूर। कितना प्राउड फील कर रहे हैं खान साहब आप, आज पाकिस्तानी हो के तमाम मसाइल के बावजूद, बिजली, महंगाई, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक का मसला, तमाम मसाइल के बावजूद कितना पर्सनली प्राउड फील कर रहे हैं ये शर्ट पहन के? खास तौर पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जब आपकी शर्ट पे लिखा होगा, तो पर्सनली कितना प्राउड फील करते हैं एज पाकिस्तानी? बहुत जज्बा पैदा हो जाता है जब शर्ट पहनते हैं और फ्लैग हाथ में लेके बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी जोश और जज्बा होता है, काफ़ी मज़ा आता है इस चीज़ में। इंजॉय करते हैं? इंजॉय। तो पूरी फैमिली इंजॉय करती है, जाते हैं रैलीज में या घर में बैठ के टेलीविजन देखते हैं, वहाँ पर नगमे देखते हैं, रैलीज को टीवी पे देखते हैं, या सेलिब्रेशन के लिए बेहतर तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं, निकलते हैं काफ़ी ज़्यादातर, सारे निकलते हैं घर से। जी जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप जी, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो शॉपिंग कर ली आपने? हाँ, बस अभी स्टार्ट की और ये शॉपिंग है। शॉपिंग कर चुके हैं? अभी स्टार्ट किए, कुछ खरीद लिए, लेकिन कुछ है कभी, इसलिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में कल प्रोग्राम है 12 अगस्त को, तो उस वजह से शॉपिंग किए और यूनिवर्सिटी को भी सजाया अपने। इंशाल्लाह कल केक डे है, तो जश्न आज़ादी तालिब इल्म है आज कराची के अंदर, वो अपने आप को कितना कनेक्टेड फील कर रहा है पाकिस्तान के साथ तमाम मसाइल के बावजूद, जब ये जश्न आज़ादी आती है, परचम लेते हैं, शर्ट्स लेते हैं, तो कितना अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहा है? देखें, ये आपका घर है, अगर आपके घर में अगर आप गुर्बत है, अगर आपके माँ बाप की लड़ाई है या घर वालों की, इसका मतलब है कि आपने घर से नफरत करना शुरू कर दें। घर तो फिर वही घर है ना, मसाइल तो आते जाते रहते, तो आखिर अपना अपना है, ठीक है, तो उस पर तो हमें फिर रिश्ते रहना है, उससे प्यार करना है। इसका ये मतलब नहीं हमें अपने घर से नफरत करके इसको छोड़ के चले, अपना घर तो अपना है, चाहे हुक्मरान कैसे भी हो, मसाइल कैसे भी हो, लेकिन हमें अपने घर में रहना है और हमें चेंज लाना है, ठीक है। तो प्राउड फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्राउड फील कर रहे हैं, इसकी वजह से हम निकले हैं बाहर, और जिन जो लोग इसको ख़राब करना चाहते हैं, इस हालात को, हम उनको बताना चाहते हैं कि आपके जितने भी आपने फोर्स लगाई है हालात करें, लेकिन हालात ख़राब नहीं, लेकिन जो भी करो हम डरने वाले नहीं। जबरदस्त, हमारे दिल फिर भी पाकिस्तानी है और हम ये करते रहेंगे। तो यार मुझे ये भी बताएं, आप नौजवान हैं, बड़ा स्पिरिट है आपके अंदर, मुझे आप तीनों में से कोई भी जवाब दे कि ये जो जज्बा है, ये जो जोश है, ये जो वलवला है, ये अगस्त के महीने में या 14 अगस्त को हमें ज़्यादा नज़र आता है, साल के बाकी दिनों में 364 दिनों में हमें इतना नज़र नहीं आता, तो ये हमारी पाकिस्तानियत, ये हमारा जज्बा, ये हमारा जोश, ये वतन से मोहब्बत, वो कम क्यों हो जाती है? यार देखो, अगर हम मुसलमान इस तरह से, मुसलमान तो पूरा साल है, लेकिन हम देखें रमज़ान में हमारी इबादत बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये भी जब 14 अगस्त आज़ादी का दिन आता है तो उस हम उसको मनाते हैं, हर दिन तो ईद का नहीं होता, तो इस तरह से 14 अगस्त से इसमें खासकर इस महीने में हमारी जो स्पिरिट बढ़ जाती है। तो बाकी दिनों में भी स्पिरिट मौजूद है? मौजूद तो है, लेकिन 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 इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा मौका आए तो उसका इजहार कर सके। 23 मार्च हो गया, 11 सितंबर हो गया, इस तरह से हम ईद के लिए करते हैं, इस तरह से ये भी ईद का दिन है, तो खासकर उसको सेलिब्रेट इन दिनों में किया जाता है, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी दिनों में भी आप इजहार करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई ऐसा मौका नहीं आता? हाँ, जब मौका आएगा, जब जैसे 14 अगस्त है या 23 मार्च मौका आएगा, तो हम खुद को साल के बाकी दिनों में भी अगर ऐसे इवेंट्स हों, सेमिनार हों, कोई रैलीज निकाली जाएं, तो हमारा नौजवान, हमारा पाकिस्तानी उसमें पार्टिसिपेट करेगा? ज़रूर करेगा, अगर आप निकालो, अगर आप इस प्रोग्राम मनाओ, तो ज़रूर, क्यों नहीं करेंगे जी? आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम जब भी रैली निकालेंगे, जैसे आर्मी वालों के साथ हम लोग सारे साथी होंगे, जो आर्मी के लिए हो, हमारी फ़ौज है, आज फौज की वजह से यहाँ पर जनरल राहिल शरीफ साहब की वजह से हालात सेट हो गए हैं। पहले तो कराची के हालात का आपको पता था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गए हैं। जी आप क्या कहें? जी बिल्कुल, रोज़ निकालेंगे, और जज्बा जो जुनून हमारे हमेशा होता है, पूरा साल रहता है, इस दिन हम ज़्यादा जज्बा करते हैं, स्पिरिट दिखाते हैं अपनी पाकिस्तानी आज़ादी के होने के बायस,
और इंशाल्लाह बाकी दिनों में भी दिखाते हैं। दिखाते हैं हाँ, जो 14 अगस्त का आता है वो दिनों। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, हमने आपको एक सैंपल दिखाया कि यहाँ पर कराची के अंदर किस तरह की सेलिब्रेशन हो रही है, किस तरह की शॉपिंग हो रही है, आम लोग कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं आज अपने आप को 14 अगस्त के साथ, पाकिस्तान के साथ। सो यहाँ पर नौजवानों से जो बात हुई, बड़ा उनका स्पिरिट हाई है, वो फील कर रहे हैं कि हम बेहतर तौर पर एक्सप्रेस कर सकते हैं पाकिस्तान के तमाम मसाइल के बावजूद अपने आप को पाकिस्तानियत के साथ और कनेक्ट कर सकते हैं, उनका जज्बा सरशार है। सो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और अभी हम देख रहे हैं 2 दिन बाकी हैं सेलिब्रेशन में, 14 अगस्त की जश्न आज़ादी में। सो यहाँ पर रैलीज निकलेंगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं झंडे, बैजेस, शॉपिंग्स हो रही हैं, शर्ट्स लोग ले रहे हैं, तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं अपने वतन के साथ। सो क्वेटा का अगर वाकया हुआ है तो उससे मायूसी और नाउम्मीदी शायद बड़ी हो, लेकिन जो जश्न आज़ादी में जो स्पिरिट है वो लोगों का हाई रहेगा, तो वो एक दफ़ा फिर उम्मीद की किरण जो है वो ज़िंदा करेगा कि यस, पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क है। और इस तरह की अगर सेलिब्रेशंस होती रहीं तो लोग अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे, और जितना वो कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप को इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के मसाइल के साथ, उसको ओन करेंगे, तो तभी जाके इस मुल्क के मसाइल भी हल होंगे, और तभी जाकर हम बेहतर तौर पर फोकस भी कर पाएंगे, हमारी सियासी जमातें, हमारे हुक्मरान, उन बुनियादी मसाइल पे जिनको हल करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरह की रैलीज, किस तरह की सेलिब्रेशन नज़र आती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।